गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका अपना अजय। आज सुबह सुबह एक नए से ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको बताया था कि कल मैं एक राइड पर जाने वाला हूं, तो उसकी तैयारी हो गई है। बज रहे हैं सुबह के 4:20 और हम हो गए हैं तैयार एकदम। हर हर महादेव, कुशल मंगल यात्रा। आराम से है ना? थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, चलो अमित का होगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। गाइस, हम निकल पड़े हैं अभी। हम यहाँ से जाएंगे वापी पेपिलोन होटल, वहाँ पे हमें अमित ज्वाइन करेगा। हम और अमित दोनों साथ में जा रहे हैं। अमित हमें ज्वाइन करेंगे पेपिलोन होटल पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय हो महादेव। यात्रा सफल करो, सकुशल अपने परिवार, सबकी रक्षा करना प्रभु। हर हर महादेव, जय। इस समय बज रहे हैं सुबह के 4:30 और आज की यात्रा है थोड़ी लंबी। जर्नी करनी है 600 किलोमीटर, दमन टू उज्जैन। दमन से उज्जैन 600 किलोमीटर की दूरी है। 12 घंटा दिखाता है गूगल मैप में, जो हमें पूरा करना है। और आज ही बाबा का दर्शन भी करना है। आज है सोमवार सावन का, और भोलेनाथ का दर्शन आज ही करेंगे। ज़्यादा फास्ट नहीं चलना है हमको। दर्शन ट्रिप को भी जीरो कर दिया था घर से चलने समय। वापी आ गए दोस्त, अमित हमको मिलने वाला है। ये सामने आ रहे हैं क्या ब्रो? चले आ? मैं 4:50 पे बोला, 4:30 पे बोला था निकलूंगा। यो चले। यस, चाय पिया हूँ, अब बाद में पियेंगे। तुम पिए? आधा घंटा हो गया। हाँ, मैंने तुम्हारा फ़ोन ही आ रहा था, मुझे मैं वही गाड़ी पे बैठा था, निकला था। मैंने चलो अब यहाँ से हम NH-48 पकड़ेंगे और निकलेंगे। हर हर महादेव। आगे नेशनल हाईवे 48। अब यहाँ हमारा अगला स्टॉप है सूरत होगा। सूरत गाइस, अभी बज रहे हैं 6:40। हम लोगों ने 111 किलोमीटर की
जर्नी जो है कंप्लीट कर ली है। अब आगे हम लोग कहीं ढाबा देख करके रुकते हैं, वहाँ पियेंगे चाय। बीच बीच में रात में थोड़ा आराम आराम से चल रहे थे, बीच बीच में बारिश भी हो रही थी जिसके लिए कैमरा भी निकाल दिया था। अभी मौसम सही है, आगे चल के कहीं चाय पीते हैं अपन दोनों लोग मस्त। हर महादेव देव संभो संभो। सुबह सुबह मस्त बाइक चलाने का अपना ही मजा है, मजा आ गया भाई दोस्तों मजा। होटल जलाराम काठियावाड़ी, इधर पियेंगे चाय। हाँ अमित बाबू मजा आया? 190 किलोमीटर तुम्हारा, 190 मतलब वो खानवेल से आप सिलवापी आने का 60 किलोमीटर, मेरा हुआ है 130 दबन से। गैस हम लोग पी रहे हैं यहाँ पे चाय, चाय होकर गया हमारा, फिर चाय पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लगभग 10 मिनट का एक ब्रेक लिया है 130 किलोमीटर के बाद, इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 100 किलोमीटर और ड्राइव करने के बाद भी हम लोग आगे कहीं स्टॉप करेंगे एक बार नाश्ता करने के लिए। लगभग आगे हम लोग बड़ौदा पहुँच जाएँगे, पहुँच के हम लोग नाश्ता करेंगे। चलो चलो चलते हैं बड़ौदा में करेंगे नाश्ता, ठीक है? हर हर महादेव शिव शंभु शिव शंभु। रेनकोट डाल के भैया बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन निकालो पहनो इससे अच्छा डाल के रखो। बड़ौदा का टोल प्लाजा बीच में हम रुके थे, जो वो अमित भाई का पीयूसी कराना था, जब पीयूसी हो गया था पहले से जैसा दिख रहा है, ऐसा लगता है कि कोई पहले से, जिसके विषय में पता नहीं, गूगल पे पता करके बाद में आप लोगों को बताऊंगा मैं कि ये क्या चीज़ है। पहले से जैसा भी दिख रहा है। Hey guys, अभी हम लोगों ने नाश्ते का ऑर्डर दिया है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा नाश्ता मिला नहीं हमें, बस सिर्फ खम्मन और जलेबी, सॉरी फाफड़ा जलेबी मिला है। फाफड़ा जलेबी का ऑर्डर दे दिया हूँ, फाफड़ा जलेबी आता है फिर हम दोनों लोग नाश्ता करेंगे और नाश्ता करके निकल लेंगे और चाय पियेंगे बस। इसके बाद लंच 1-1.5 बजे कहीं बीच में देखते हैं, हॉल वॉल वगैरह क्रॉस करने के बाद वहाँ पर करेंगे, ठीक है? तो नाश्ता आगे आ रहा है, नाश्ता आ जाता है फिर नाश्ता करके फिर मिलते हैं आपको राइड के ऊपर, ओके? और बाकी सब ठीक बात है गाइस। नाश्ता आ गया है, ये हमारा फाफड़ा जलेबी आ गया है, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं भाई। अपना नाश्ता करके हो गया, अभी चलते हैं हंड्रेड किलोमीटर बाद कहीं कहीं देखना पेट्रोल भरा लेगा।
एमपी कहाँ से लगेगा? गोधरा के बाद। गोधरा के बाद ना? सलाम भाई। चलो भैया, हर हर महादेव, जय महाकाल। उज्जैन यहाँ से 6.5 घंटे का रास्ता है। हे गाइस, हम लोगों ने लगभग 316 किलोमीटर मतलब 50% के ऊपर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी हमने एक वाटर ब्रेक लिया है यहाँ पर और इसके बाद निकलते हैं। वाटर ब्रेक हो गया है, 10 मिनट का वाटर ब्रेक था, थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए। गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं राइड को। सही है, सही है ना? चलो यहाँ से अभी 280 किलोमीटर बता रहे हैं, लगभग 5.5 घंटे का रास्ता है। अपन लोगों ने एक वाटर ब्रेक लिया था 10 मिनट का। वाटर ब्रेक ज़रूरी है भाई, पानी पीते रहो, गर्मी बहुत है इसलिए पानी कंटिन्यू पीते रहो भाई। हम हालोल में रुके थे, हालोल। बाइक चलाते समय फ़ोन का इस्तेमाल ना कीजिए, गंदी बात है बेटा। मैं भरा लेता हूँ यहाँ पे पेट्रोल। फुल कर दो। एमपी महंगा है ना? 110 एमपी में ना? यहाँ पे 99 में है और अभी थोड़ी देर बाद एमपी लग जाएगा तो वहाँ पे 110 रुपये लीटर है, तो यहाँ भरवा लिया एटलीस्ट तो अच्छा रहा। 7 लीटर आया तो 70 रुपीज़ बच गया मेरा, 70 रुपीज़ नाश्ता हो जाएगा ना कहीं पे। यहाँ से 60 किलोमीटर के बाद एमपी लग जाएगा। अभी हम फ्रेंड्स, अभी हम गोधरा से इंदौर वाले रोड पे आ गए हैं, हाईवे पे। बोलो अमित बाबू, थक गए हो? क्यों? 4 बजे से राइड चालू। अभी तो बाकी है, अभी तो 150 किलोमीटर चलना है। चाय पियेंगे उसके बाद? चाय पियेंगे, पानी पियेंगे, फिर आराम से 50-60 किलोमीटर के बाद फिर एक रेस्ट मारने का, वाटर ब्रेक। चाय पीते रहोगे, थोड़ा रेस्ट लेते रहोगे। हम 6:30 बजे तक पहुंच जाएंगे उज्जैन, हमारा टारगेट 6:30 बजे का है। 6:30 आराम से 6:30 बजे उज्जैन पहुंच जाएंगे, मस्त नहा धो करके फिर हम। गाइस अभी हम देखें यहाँ पे ये झबुआ के आसपास है और हम चाय, एक टी ब्रेक लिया गया है, चाय पिया जाए, थोड़ा 10-20 मिनट आराम किया जाए फिर निकला जाए, क्योंकि कंटिन्यू चलाएंगे, थोड़ा गाड़ी को भी रेस्ट चाहिए, शेरा अपना थोड़ा आराम कर ले और हम भी थोड़ा आराम कर लें, फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है गाइस, देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, ये भगवान क्या बताऊँ मैं, ओ माय गॉड, रियली ये देखो। मेरे लेफ्ट साइड में देखो पूरा घाट घाट एकदम, नीचे इतनी हरियाली कितनी है, वाव वेरी नाइस, भगवान इतना खूबसूरत तुम्हारी रचना है, ओह क्या बताएं। देखो ना, माय गॉड,